हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल भी डिस्कस अबाउट प्रोसेस राइटिंग आज हम प्रक्रिया लेखन के बारे में बात करेंगे प्रोसेस राइटिंग इज एन अप्रोच टू टीचिंग राइटिंग दैट अलाउज द टीचर एंड द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आ टेक्स्ट टुगेदर In process writing, students have the chance to think about what they are going to write, produce draft, revise, edit, and give and receive feedback on their work before coming up with the final version of the text. A process approach to writing contrasts with the product approach, where the main idea is to reproduce a model text. प्रोसेस राइटिंग जो होती है ये शिक्षण लेखन का एक तरीका है जो शिक्षक और छात्रों को एक साथ पाठ के निर्माण की प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति देता है प्रक्रिया लेखन में छात्रों को ये सोचने का मौका मिलता है कि वे क्या लिखने जा रहे हैं पाठ के अंतिम संस्करण के साथ आने से पहले ड्राफ्ट का उत्पादन संशोधन संपादन और अपने काम पर प्रतिक्रिया देते हैं और उसको प्राप्त करते हैं एक उत्पाद दृष्टिकोण के साथ विरोधाभासी लिखने के लिए एक प्रक्रिया दृष्टिकोण जहां मुख्य विचार एक मॉडल पाठ को इन्हें पुनः प्रस्तुत करना होता है स्टेज ऑफ प्रोसेस राइटिंग यानी लेखन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में हम पढ़ेंगे राइटर्स हैव देयर ऑन राइटिंग प्रोसेस एज पर देयर प्रिफ्रेंस एंड दे फॉलो आइडियाज इन अ राइट मैनर इट स्टार्ट विद्री राइटिंग एंड एंड पब्लिशिंग लेखकों को अपनी पसंद के अनुसार उनकी लेखन प्रक्रिया होती है वे स्वाभाविक रूप से उन चरणों का पालन करते हैं जब भी वे कुछ कठिन विषयों के साथ फंस जाते हैं वे उन चरणों का पालन करते हैं जो सभी को अपने विचारों को सही तरीके से उत्तेजित करने के लिए परिचित होते हैं ये पूर्व लेखन से शुरू होता है प्रोसेस राइटिंग और प्रकाशन के साथ ये समाप्त तो होता है देखिए इसके पांच चरण होते हैं फर्स्ट है प्री राइटिंग यानी पूर्व लेखन सेकेंड है ड्राफ्टिंग यानी आलेखन फिर है रिवाइजिंग यानी संशोधन फिर है एडिटिंग संपादन और नेक्स्ट है पब्लिशिंग यानी प्रकाशन फर्स्ट स्टेज है हमारी प्री राइटिंग प्री राइटिंग इज इम्पोर्टेंट एज इट इज द फर्स्ट स्टेज वेरा राइटर चूज द टॉपिक एंड नैरो डाउन द पॉइंट्स एज वेल एज द डिटरमाइनर द परपज ऑफ हिज राइटिंग Additionally, the writer should consider his audience whom he needs to address। अधिलेखना क्योंकि ये पहला चरण है जहाँ एक लेखक विषय का चयन करता है और अंक लिखने के साथ साथ अपने लेखन के उद्देश्यों को भी निर्धारित करता है इसके अतिरिक्त लेखक को अपने दर्शकों पर विचार करना चाहिए जिन्हें उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता होती है अपना विचार खोजते हैं फिर अपने विचार को विकसित करने और अपने ज्ञान का समर्थन करने वाली प्रासंगिक जानकारी जमा करने का ये प्रयास करते हैं अगला कदम इनका अपने विचार की योजना और संरचना को बनाना होता है नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग इज नथिंग बट पुटिंग योर पॉइंट्स एंड आइडियाज ऑन पेपर एंड अरेंज टॉपिक्स एट द प्री राइटिंग स्टेज एंड देन दे द एंटायर इंफॉर्मेशन एट दिस स्टेज यानी आलेखन जो है वो कुछ भी नहीं है लेकिन अपने बिंदुओं और विचारों को कागज पर रखें और इन बिंदुओं को पठनीय तरीके से व्यवस्थित किया जाए राइटर्स आमतौर पर प्रिस्क्रिप्शन स्टेज पर अपने विषयों के बारे में रिसर्च करते हैं और फिर इस स्टेज पर पूरी जानकारी भी जमा करते हैं सबसे पहले लेखक एक

इनडिस्पेंबल टू मेक द आउटलिक ऑफ द राइटिंग का कौन एक अनिवार्य चरण है जहाँ ड्राफ्ट की गहन जाँच होती है और ड्राफ्ट में शामिल बिंदुओं को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है इस स्तर पर नए बिंदु जोड़े जाते हैं और कुछ बिंदुओं को प्रतिस्थापित भी किया जाता है और आवश्यकताओं के अनुसार इसको हटा दिया जाता है हालांकि लेखन के दृष्टिकोण को आकर्षक और स्पष्ट बनाने के लिए संशोधन अपरिहार्य है Next, editing. Find the tone of the writing and check each slide, line thoroughly. Check spelling, grammar, punctuation, sentence structure, document format, and other things. Check the entire content and mistakes should not leave behind. However, editing is the stage where writers can modify the lines as well as things. It is always better to give your writing to someone for editing. लेखन के स्वर को ठीक करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पंक्ति को अच्छी तरीके से जांचा जाता है वर्तनी व्याकरण चिन्ह वाक्य संरचना दस्तावेज प्रारूप अन्य चीजें जांची जाती हैं पूरी सामग्री की जांच की जाती है क्योंकि गलतियों को पीछे नहीं छोड़ा जाता है हालांकि संपादन बेहचारणा जहाँ लेखक अपनी रेखाओं के साथ साथ विषय को भी संशोधित कर सकते हैं संपादन के लिए किसी को अपना लेखन देना हमेशा बेहतर होता है नेक्स्ट है पब्लिशिंग पब्लिशिंग इज द लास्ट स्टेज वीर राइटर्स सबमिट देअर वर्क टू दब्लिशर मेक्स योर योर रिटर्न डॉक्यूमेंट शुड बी कम्प्लीटेड बिफोर गिविंग टू द पब्लिशर हाउ एवर इच राइटर्स गोल इज टू पनिश हिज वर्क एंड ई दीडर्स यानी जो प्रकाशन होता है ये प्रोसेस राइटिंग का अंतिम चरण होता है जहाँ लेखक प्रकाशक को अपना काम सौंपता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रकाशक को देने से पहले लिखित दस्तावेज पूरा हो जाना चाहिए हालांकि प्रत्येक लेखक का लक्ष्य अपने काम को प्रकाशित करना और पाठकों तक पहुंचाना होता है देखिए प्रोसेस राइटिंग जो है ये एक अप्रोच है शिक्षण लेखन का ये एक तरीका होता है इसमें क्या होता है लेखक अपनी पसंद के अनुसार लिख सकते हैं उनकी लेखन प्रक्रिया होती है और वो इस चीज़ का सारे स्टेप्स का पालन भी करते हैं कि किस तरीके से प्री राइटिंग ड्राफ्टिंग रिवाइजिंग एडिटिंग पब्लिशिंग करना होता है वो अपने विचारों को सही तरीके से सबके सामने रखते हैं इसको हम प्री राइटिंग से स्टार्ट करते हैं और पब्लिशिंग के साथ इसका एंड हो जाता है